Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मेरा नाम राजेश गुप्ता है। व्यक्ति अपने बातों से, अपने विचारों से ही खुद खड़ा होता है, आगे बढ़ता है। किसी के करने से कुछ ज्यादा नहीं होता है। जीवन में हमें डरना नहीं चाहिए और सत्य की जो राह है उसको अपनाना चाहिए। अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसको चुपचाप नहीं देखना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि भाई ये गलत है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं और मेरा जन्म जो है हरियाणा में रोहतक डिस्ट्रिक्ट में छारा एक गांव है, 25 मई 1959 को हुआ। मेरी प्राइमरी जो स्कूली शिक्षा है वो गवर्नमेंट स्कूल सांपला में हुई है और उसके बाद मिडिल क्लास तक जो है मैंने सरकारी स्कूल ही सांपला में मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने जो है हाई स्कूल जो है वेस्ट स्कूल रोहतक से किया और उसके बाद मैंने जो है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया वेस्ट पॉलिटेक्निक रोहतक से। मेरे पिता का नाम जगदीश राय गुप्ता और वो जो है बहुत पुराने जो है 1936 में उनका जन्म हुआ था छारा गांव के अंदर ही, और वो पुराने ग्रेजुएट थे और उन्होंने बहुत मेहनत की अपने भाइयों के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। इससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। व्यक्ति को अपने लिए खाली नहीं जीना चाहिए, अपने परिवार का भी अगर आप भला कर सकते हैं, अपने भाई बहनों का भी भला कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। और उनका काफ़ी योगदान रहा है इस बात पे। इससे मुझे उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली है कि आदमी को जितना भी हो सके सबके लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, देना चाहिए। मेरी माता जी का नाम सावित्री देवी और वो बहुत ही एक पॉइस लेडी, उनकी अपनी भगवान में पूजा अर्चना के साथ साथ जो एक सामान्य गृहिणी का काम होता है उन्होंने बहुत मेहनत से और पूरी ईमानदारी से किया है हम सब भाई बहनों को। और जैसे मेरे पिताजी, मेरे पापा जो है पूरे परिवार का ध्यान रखते थे, उन्होंने भी मेरे पिताजी का कंधे से कंधा मिला के हर बात में उनका साथ दिया और पूरे परिवार का जैसे योगदान पिताजी करते थे ऐसे मेरी माताजी ने भी जॉइंट फैमिली के अंदर सबका कुछ ना कुछ करने का प्रयास किया है। इस बात का भी मेरे को गर्व है और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म लेने का मौका मिला। मेरे दो छोटे भाई और मेरी एक बहन है, सब ने मुझे कुछ ना कुछ जो है देने का प्रयास किया है। और लेकिन व्यक्ति अपने बातों से, अपने विचारों से ही खुद खड़ा होता है, आगे बढ़ता है। किसी के करने से कुछ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उन सब का सहयोग और समर्थन मुझे मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे से छोटी मेरी बहन, उसका नाम प्रेमलता है। मेरे दो छोटे भाई हैं, उस बहन से छोटा सुरेश गुप्ता है और सबसे छोटा राजेंद्र गुप्ता है। मेरी वाइफ का नाम सुनीता गुप्ता है और उसने, वो भादुगढ़ से बिलोंग करते हैं और उसने बीए बीएड किया हुआ है। तो शुरुआतें जो जीवन है मेरी 85 में शादी हुई है तो मेरी ये इच्छा थी कि मेरी वाइफ जो है वो गृहस्थी को संभाले और बच्चों को पढ़ाए लिखाए और मेरा सहयोग करे। और मेरी वाइफ ने इसमें मेरा को पूरा सहयोग और समर्थन दिया है। मेरी पत्नी ने 99 के अंदर उसको जो है, जब मेरे बच्चे, जो मेरा बड़ा बेटा है वो 87 बोर्न है, मेरी लड़की 89 बोर्न है, जब 10-12 साल के हो गए थे और बच्चों को इतनी देखभाल की ज़रूरत नहीं थी तो उन्होंने 99 में दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं
उसमें उनको सर्विस मिल गई थी एज ए टीचर, संस्कृत टीचर के रूप में। तो उन्होंने कहा कि भाई जो मैंने बीए बीएड किया हुआ है, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये योगदान समाज के बच्चों के लिए भी मैं कुछ कर सकूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इजाज़त दें कि मैं नौकरी भी कर सकूँ। तो मेरी वाइफ जो है 99 से, और वो 2000 अपना 25 के अंदर उसके रिटायरमेंट है, अभी 2 साल बचे हुए हैं और वो कर रही, सर्विस कर रही है एज ए संस्कृत टीचर के रूप में। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा सबसे बड़ा लड़का आदित्य गुप्ता है और उसने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की हुई है। मेरी बेटी राधिका गुप्ता है और उसने जो है एमए और बीएड किया हुआ है, और दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है। मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो प्रेरणा गुप्ता, और मेरी बेटी जो है वो राधिका जैन, वरुण जैन मेरे दामाद हैं। मेरे को पूरा सम्मान और प्रेम देते, मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले हैं। मैं बच्चों के साथ साथ पूरे समाज को, सबको यही कहना चाहता हूँ, जीवन में हमें डरना नहीं चाहिए और सत्य की जो राह है उसको अपनाना चाहिए। अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसको चुपचाप नहीं देखना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि भाई ये गलत है, और उसका हो सके जितना भी उस गलत का समर्थन ना करें, विरोध भी ना कर पा रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ। मेरी 2 पोतियाँ हैं और 2 नाती हैं, नातियाँ हैं। तो मेरी जो बड़ी पोती है उसका नाम जो है आराध्या गुप्ता, और छोटी का जो है शिवानी गुप्ता है। और जो मेरी नातियाँ हैं, एक का वाणी गुप्ता है और एक का सनाया गुप्ता है, सनाया वाणी जैन और सनाया जैन। ऐसा है जो हमारा वैश्य परिवार, अग्रवाल परिवार, जहाँ से मैं संबंध रखता हूँ, मेरी जो है हाई स्कूल और जो मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया वो वैश्य पॉलिटेक्निक से, और वैश्य स्कूल से हाई स्कूलिंग की मैंने रोहतक से। तो मेरे मन में ये आया कि भाई हमारे समाज के लोग जो हैं, अगर ये सब स्कूल और इंस्टीट्यूशन नहीं बनाते तो हमें कितनी दिक्कत होती। हमें अपने समाज का कर्ज उतारने के लिए हमें भी अपनी नेक कमाई में से कुछ ना कुछ योगदान समाज के कार्यों में करना चाहिए। तो जो भी ईश्वर ने मुझे निमित्त मात्र बनाया और मैं इस लायक बना कि भाई मैं उस कर्ज को कुछ उतार पाया हूँ, ये मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इससे मुझे बड़ी जो है प्रेरणा मिली है इस बात से कि भाई हमें समाज के लिए भी काम करना चाहिए। दूसरा, जो हमारा अग्रवाल समाज है वो हमेशा से ही अच्छे कामों में आगे आया है। अग्रवाल का मतलब यही है जो आगे रहते हैं, आगे रहने का मतलब अच्छे कामों में, वो आगे रहे हैं हमेशा, स्कूल बनवाने में, कॉलेजेस बनवाने में, हॉस्पिटल बनवाने में, मंदिर बनवाने में, धर्मशालाएं बनवाने में, ये हमारे समाज का काम है। मुझे भी उस समाज में पैदा होने के नाते ये प्रेरणा मिली है, हमें खाली न केवल अपने लिए जीना है, समाज के लिए भी जीना है, ताकि जो समाज का कर्जा हम पे है, इस मानव जाति में जिसमें हमने जन्म लिया है, उसको कुछ हम कम कर सके, कुछ उतार सके, और आने वाली पीढ़ियों को भी ये संदेश जाए कि भी हमें समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करना है। लास्ट में मुझे ये लगा कि वही खाली समाज का नहीं हम पे कर्जा, हमको इस भारत माता का भी कर्जा है, जिसके ऊपर, जिसने हमें यहाँ पे जन्म लेने का हमें मौका मिला है, और इसके लिए भी कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। आज मैं अपनी भारत माता के लिए, जो मुझे सबसे खराब बात लगती है, उसको राजनीति में मैं आया हूँ, और मेरी भारत लोक सेवक पार्टी है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, जिसका कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कि हमें ऐसी बात कहनी चाहिए जिससे हमारी ये भारत माता की सेवा हो सके, न के सत्ता के माध्यम से अपनी सुख सुविधाएं इकट्ठा कर सके। मैंने अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए भी जितना योगदान मैं कर सकता था, अपनी नेक कमाई में से मैंने कर दिया है, और जो मेरे पास अब बचा खुचा है या जो कुछ है, उसको मैं अपनी इस भारत माता के खिलाफ जो अन्याय अधर्म हो रहा है, मैं उसको मिटाने में अपना योगदान दे रहा हूँ। धर्म का लोग जो हैं गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, मुझे ये लगता है, पता नहीं मैं कितना सही हूँ और कितना गलत हूँ। धर्म का मतलब ये है, जो मैं समझता हूँ,
कि आप अपने जीवन में किस तरीके से सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं। धर्म इज ए वे ऑफ लाइफ, नॉट ए वे ऑफ वर्शिप। आप मंदिर में जा रहे हैं, उपवास रख रहे हो, इट इज ए पार्ट ऑफ रिलीजन। आप मंदिर में तो जा रहे हो, उपवास भी रख रहे हो, लेकिन आप आम जीवन के अंदर असत्य का रास्ता अपना रहे हो, भ्रष्टाचार का रास्ता अपना रहे हो, झूठ और फरेब का रास्ता अपना रहे हो, दूसरे लोगों को धोखा दे रहे हो, तो ये कौन सा धर्म है आपका? ये तो इंसानियत के खिलाफ है। धर्म का मतलब तो आप चाहे बेशक मंदिर में मत जाइए, बेशक आप पूजा मत कीजिए, बेशक आप मस्जिद में मत जाइए, बेशक आप गुरुद्वारे में मत जाइए, लेकिन जब आप दूसरों से व्यवहार करें तो उसमें सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। धर्म का मतलब तो मैं तो ये समझता हूँ। परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस भारत भूमि पे जन्म लेने का मौका मिला। इतने अच्छी संस्कृति और सभ्यता के दौरान मैं पला पढ़ा हूँ, तो ये जो है मुझे उन बातों से प्रेरणा मिली है कि भाई मुझे जीवन में सत्य की राह पे भी चलना चाहिए, ईमानदारी की राह पे चलना चाहिए। उसमें आपको कठिनाइयाँ आ सकती है, लेकिन अंत में आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचेंगे। और जितना मैं चाह रहा था, इस 64 ईयर्स का 64 साल का मैं हो गया हूँ, मुझे जितना मिलना चाहिए था इस जीवन में उससे कहीं ज़्यादा मैं प्राप्त हो कर चुका हूँ। और ईश्वर ने जितनी भी मुझे सांसें दी हुई हैं, मुझे लगता है कि जो बाकी मेरा जो जीवन बचा हुआ इस भारत माता के लिए जो बचा हुआ है, ईश्वर मेरे को शक्ति दे रहा, प्रेरणा दे रहा, मेरा सहयोग कर रहा है। मैं उस परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस तरीके से आगे बढ़ा रहा। मैं धन्यवाद देता हूँ। बाकी सब जो मेरे साथ हैं, लोग परिवार के और समाज के, उनका भी मैं योगदान मुझे मिल रहा है, इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं एक कोई खास बात नहीं, मैं सामान्य और साधारण व्यक्ति हूँ, और जो जैसे मेरे को जीवन में जो मिलता गया मैं उसको एंजॉय करता रहा हूँ। कोई ख़ास ऐसा नहीं है कि भाई मुझे ये मिलना चाहिए, ये नहीं मिला है। मुझे तीर्थ यात्रा करने का शौक़ रहा, घूमने फिरने का शौक़ रहा है, मैं घूमता फिरता रहा हूँ। मैं ऐसा भी कोई देश का कोना नहीं है, कोई तीर्थ मतलब स्थान नहीं जहाँ मैं नहीं गया। इवन 15 से 20 कंट्री तक मैं विदेशों में भी घूम चुका हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरे को कुछ नहीं मिला या मैं कुछ कहीं जा नहीं पाया हूँ, और मैं खुश हूँ। लेकिन अंत में मैं इसी परिणाम पे पहुंचा हूँ। वो कहते हैं ना, ईस्ट एंड वेस्ट, होम इज़ दी बेस्ट। इस भारत भूमि से बढ़कर मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता है, और मैं चाहता हूँ कि भाई इस भारत माता के लिए कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर करना चाहिए, और जो मुझे ईश्वर शक्ति दे रहा, प्रेरणा दे रहा है, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। नहीं, आपने अच्छा सवाल पूछा है। फिल्मों का भी हमारे जीवन पे एक असर पड़ता है, और बचपन में मुझे भी बड़ा शौक था कि भाई हमारा भी नाम आए, पर्दे पे आए, जाने की एक बार इच्छा थी, लेकिन जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी, मैं नहीं उनको अपने घर परिवार को छोड़ के जा सकता था वहाँ पे। तो वो एक अच्छा माध्यम है अपनी बात कहने का, लोगों तक पहुँचाने का। और जहाँ तक सवाल है किन लोगों से प्रेरित हैं, सिंगर कौन है, जो भी अच्छा गा रहे हैं, लेकिन अब भाई मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर जी, मुकेश जी, जो पुराने ज़माने के गायक थे, उनका तो आज की तारीख में कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। जो है वो फोर एवर हमेशा अमर रहेंगे वो लोग। तो धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि भाई मुझे चाहे कितना भी जो है टाइम लग जाए, मैं गलत राह नहीं अपनाऊंगा, सही राह पे चलूँगा। और सही राह पे चलते हुए मुझे जो मिलेगा मैं उसमें अपनी संतुष्टि करूँगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जबकि आज की तारीख में ये सब इतना लोगों में धैर्य नहीं रहा, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे समाज के, हमारे परिवार के और हमारी युवा पीढ़ी की। वो धैर्य खो रही है दिन पे दिन। जो है लोग कई बार इतने हताश और निराश हो जाते हैं, आत्महत्या करने लगते हैं। ये कितनी दुखदायी बात है। ये हताशा और निराशा जीवन में नहीं आनी चाहिए। हमको ऐसी शिक्षा दीक्षा और ऐसे संस्कार डालने चाहिए बच्चों में कि वो जो है हर परिस्थिति में मुकाबला करना सीखें।
मुकाबला नहीं कर पा रहे परिस्थितियों से, हताश होके निराश होके आत्महत्या कर रहे हैं या हिंसा पे उतारू हो रहे हैं। ये पश्चिम में तो हो रहा, हमारे देश में भी ये होने लग गया। इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता और मैं यही चाहूँगा कि किसी भी तरीके से जो भी लोग मेरा ये इंटरव्यू देखेंगे, साक्षात्कार देखेंगे, बात सुनेंगे, हमको समाज में भी, शिक्षा दीक्षा में भी, अपने बच्चों को भी प्रेरणा देनी है, इस बात के लिए इंस्पायर करना है, हमको जीवन में निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, अपनी सही राह पे लड़ते रहेंगे, चाहे लड़ते लड़ते हमारी जान चली जाए, हम घबरा के पीछे नहीं हटेंगे। अपनी जान खुद देना ये कहाँ की है? कितनी मुश्किल से तो आपको ये मानव योनि मिली है और आप उसको 20-25 साल की एज में जो है आप अपने आप को फांसी पे लटका रहे हो, हताश हो रहे हो, निराश हो रहे हो। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, कितने बड़े बड़े लोग एक्टर जो है निराश होकर अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, फांसी पे लटक रहे हैं। आपके साथ कोई गलत हुआ, किसी ने गलत किया, उसका विरोध कीजिए और उसके साथ मुकाबला कीजिए, दूसरे लोगों को बताइए कि हमारे साथ ये किया, उसको एक्सपोज कीजिए। हताश होने से, निराश होने से, आत्महत्या करने से कोई समस्या हल नहीं होगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel